तो आज मैं किसी मूवी के VFX को ब्रेकडाउन नहीं करूंगा, बट जो मेरा OG कॉन्सेप्ट था, जो मेरा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था कि मूवी पोस्टर्स को एज अ ग्राफिक डिजाइनर ब्रेकडाउन करने का, आज हम लोग फिर से वही करने जाएंगे। एंड टुडे वी आर ब्रेकिंग डाउन DC मूवी पोस्टर्स। स्टे ट्यून्ड। तो इससे पहले भी मैंने काफी सारे मूवीज के पोस्टर्स को ब्रेकडाउन किया था, एंड स्पेशली मार्वल के कुछ मूवी के पोस्टर्स को मैंने ब्रेकडाउन किया था, और मैंने कुछ ट्रिविया देने की कोशिश की थी, और वहां पे भी मुझे काफी सपोर्ट मिला था, और जो चीजें मुझे नहीं पता थी या फिर मैं थोड़ा डाउट में था, वो मेरे डाउट्स भी उधर आप लोगों ने कॉमेंट करके मेरा डाउट्स क्लियर किया था। सो उसी मूवी की तरह आज हम लोग DC मूवी के पोस्टर्स के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पोस्टर, एंड दैट इज दिस। तो अगर आप लोगों ने मेरे मार्वल मूवी पोस्टर ब्रेकडाउन वीडियो को अगर देखा है, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने वहाँ पे बोला था कि आई डोंट लाइक मार्वल मूवी पोस्टर्स, क्योंकि वो मुझे बहुत मतलब ऐसे क्राउडेड लगते हैं। मार्वल के जितने सारे चीज़ें होते हैं, एवरीथिंग इज मासी, मतलब मास को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, वो उस हिसाब से बनाते हैं, तो उनका विजन वो रहता है हमेशा। एंड DC जो जैक स्नाइडर जो DC बना रहे थे, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के वीडियो में भी बताया था कि ही इज अ वेरी क्रिएटिव डायरेक्टर, वो हमेशा एक क्रिएटिव विजन के साथ काम करते हैं, और जो चीज़ें इस पोस्टर में दिखती भी है, लाइक दिस मूवी इज अबाउट सुपरमैन, और हम लोग को सुपरमैन ही नहीं दिखाया गया है। ग्राफिक डिजाइनिंग में या फिर किसी भी तरह की डिजाइनिंग में एक चीज आता है जिसे बोलते हैं कि द क्लोजर यू लुक द लेस यू सी। एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट था कि मैं अगर सपोज मैंने आपको एक ब्लैंक पेपर दिखाया, कि एक ब्लैंक A4 शीट पेपर आप लोग को देख के दिखा के मैंने पूछा कि क्या है ये, आप लोग बोलोगे कि ये शीट ऑफ पेपर है, लेकिन मैंने अगर उधर एक डॉट डाल के मैंने आपको दिखाया कि ये क्या है, तो आप लोग सब लोग बोले कि वो डॉट है, आप लोग पूरे उस पेपर को इग्नोर कर दोगे। सो दैट इज़ हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क। आप जितना कम दिखाओगे, छोटा दिखाओगे, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग, मतलब यूजिंग द ब्लैंक स्पेस, तो उतना अच्छे से हम लोग को दिखेगा। एंड वही टेक्निक काफ़ी सारे DC मूवी पोस्टर्स में यूज हुआ है, स्पेशली इन दिस वन, क्योंकि यहाँ पे देखिए सुपरमैन इतना छोटा है उसमें, सो ओनली थिंग वी कैन सी इज द सुपरमैन, नथिंग एल्स। हम लोग को सिर्फ सुपरमैन ऐसे फ्लाइंग ऑफ टू द स्काई वो दिखता है, विच इज लाइक रियली ग्रेट। और अगर हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के हिसाब से ब्रेकडाउन करेंगे, तो दिस मूवी इज कॉल्ड मैन ऑफ स्टील। तो क्लाउड्स के जो ग्रे एंड व्हाइट एरिया को उन सबको मिक्स करके वो स्टील का जो टेक्स्चर है उसको लाया गया, विच लुक्स रियली गुड। एंड ये पोस्टर मुझे पसंद है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पोस्टर, ये दोनों पोस्टर्स, एंड बोथ द पोस्टर्स वेयर एक मार्केटिंग कैंपेन के हिसाब से निकला था, एंड ये दोनों पोस्टर मतलब जो मेरे दो अलग रूममेट थे उनके दरवाजे में भी लगा हुआ था। सो मैंने इन दोनों पोस्टर्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है, सो आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इन दोनों पोस्टर्स में ही वो पेपर रैप का टेक्स्चर दिया गया है। सी व्हाट इज अ टेक्स्चर, सो टेक्स्चर इज मेनली लाइट एंड शेडो। कोई भी कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का टेक्स्चर दिखेगा, दैट इज ओनली लाइट एंड शेडो। तो यहाँ पे भी जो रिंकल्स यहाँ पे दिया हुआ है, वो ऑब्वियसली एक रिंकल पेपर को एक्चुअली फोटो खींच के, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर को फोटो खींच के उसको फिर ऊपर ओवरले किया गया है, तो यहाँ पे वो रिंकल पेपर का टेक्स्चर अच्छा लगता है। एंड इन ग्राफिक डिजाइनिंग, बिकॉज दीज पीपल जो मूवीज में काम करते हैं, वो लोग स्टॉक फोटोग्राफी या फिर स्टॉक साउंड्स बहुत कम यूज करते हैं। अभी स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे हम लोग। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये थिंकिंग है कि ये जो पेपर ऐसे स्ट्रिप किया हुआ है, कि जो स्टिकर को स्ट्रिप करने से जो व्हाइट छू जाता है, उसी से ही ये बैटमैन का सिंबल एंड देन सुपरमैन का सिंबल बना है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट इन फोटोशॉप, आप कंपोज करके भी उतना क्लीन नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली में फोटो खींचा गया है, या फिर अगर किसी ने भी काम किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। ये जो पेपर पील वाला, जो स्टिकी पेपर पील वाला जो इफेक्ट है, उसी से ही ये बैटमैन एंड सुपरमैन बनता है। दिस इज रियली गुड, ये काफ़ी अच्छा काम हुआ है इधर। और जैसे कि हम लोग जूम करेंगे तो सुपरमैन बैटमैन दोनों के ऊपर वो डॉट्स दिखते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्रिंटिंग डॉट्स, आप लोग ने न्यूज़पेपर प्रिंट में भी देखा होगा, इसको बोलते हैं DPI, डॉट्स पर इंच। तो एक प्रिंटर का DPI जितना ज़्यादा होगा, उतना क्लियर उस प्रिंटर का प्रिंटिंग होगा। अभी तो काफ़ी सारा मतलब लेज़र प्रिंटर हो गया है, बट जो ओरिजिनल जो न्यूज़पेपर प्रिंट करने वाले प्रिंटर्स होते हैं, वहाँ पे DPI रहता है, लेकिन हमेशा DPI पता करना उतना फिजिबल नहीं होता है। सो हम लोग को थोड़ा गैस वर्किंग में भी होता है, बट द कॉन्सेप्ट इज कि ये जो डॉट 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 होता है, इसको बोलते हैं DPI, डॉट्स पर इंच। तो अगर आप लोग को ऐसे रॉ प्रिंटिंग का फील देना है, तो आप लोग ये डॉट्स को यूज़ कर सकते हो, इट रियली वर्क्स ग्रेट। और उसके ऊपर भी मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए, ये दोनों सिंबल्स में, मतलब ऑब्वियसली सुपरमैन का तो दिखता ही है सिंबल, बट स्पेशली इन दिस बैटमैन सिंबल, ये सिर्फ एक पेपर पील को ही बैटमैन के टेक्सचर में वो किया गया है, और
सजेस्टिव, इसको बोलते हैं सजेस्टिव, कि आप बिना दिखाए दिखा रहे हो किसी चीज़ को। कि हम लोगों ने कभी कभी देखा होगा जैसे एक पाइल ऑफ कोई चीज़ है और उधर से ही एक शेप बनता है, या फिर अगर आप लोगों ने वो पनिशर का एक प्रोमो आया था जहाँ पे वो फ्लोर को ब्रेक करता है और फ्लोर को ब्रेक करते करते उस ब्रेकिंग फ्लोर से ही उसका वो बन जाता है, उसका स्कल बन जाता है। इट वर्क्स बोथ द वे। अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ ब्रोकन फ्लोर दिखेगा लेकिन आपको उधर स्केलेटन भी दिखेगा, कि वो जो स्कल उसका रहता है वो भी दिखेगा। एंड दिस इज़ रियली हार्ड, ये करना बहुत ही मुश्किल है कि आप सजेस्टिव वे में कर दोगे। आपको स्केलेटन बनाना है बहुत ईजी है, आपको ब्रोकन रोड बनाना है बहुत ईजी है, लेकिन ब्रोकन रोड से स्केलेटन बनाना या फिर पील्ड पेपर से एक बैटमैन का सिंबल या फिर सुपरमैन का सिंबल को बनाना इज रियली डिफिकल्ट, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। सो ये बहुत एक अच्छा काम हुआ इधर। देन विल मूव टू फ्यू मोर पोस्टर्स, और ये तीनों पोस्टर्स हैं वंडर वुमन मूवी के और मेरे वन ऑफ द बेस्ट पोस्टर्स में से हैं, क्योंकि मुझे ये पसंद है, पर्सनली मुझे ये पसंद है जब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे येलो एंड ब्लू, वार्म एंड कोल्ड, तो ये दोनों स्पेक्ट्रम में अलग अलग जगह पे रहते हैं। अगर आप लोग को दिखेगा तो हॉट एंड कोल्ड समझाने के लिए ऐसे एक तरफ पे रेड रहता है, एक तरफ पे ब्लू रहता है। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर होता है इन दोनों को मिला के ही ये तीनों पोस्टर्स को बनाया गया है, विच लुक्स रियली नीट। और यहाँ पे ओवर कुछ नहीं किया गया है। जैसे कि हम लोगों ने मार्वल के पोस्टर्स में जब डिस्कस किया था तो मैंने बोला था कि मार्वल के हर पोस्टर में ऑलमोस्ट जो कंपाइल पोस्टर होता है उन सब में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, कि कहीं पे कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा होगा, कहीं पे कुछ हो रहा होगा। एंड वही फॉर्मूला काफ़ी सारे जो मासी मूवीज होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली वो राधे का पोस्टर भी रिलीज हुआ था, तो वहाँ पे भी आपको एक ही पोस्टर में काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, जो मुझे उतना पसंद नहीं है। मुझे ऐसे पोस्टर्स ज़्यादा पसंद है जहाँ पे कम दिखा के बहुत सारा दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे शी इज लिफ्टिंग अ टैंक, व्हिच इज इनफ, कि शी इज अ पावरफुल वुमन, शी इज अ वंडर वुमन, वो दिखाना इज इनफ। सो आई फील कि मतलब मुझे पर्सनली ऐसे पोस्टर ज्यादा पसंद आते हैं। अगर आप लोग कभी फोटोशॉप में आप लोगों ने काम किया है देन यू नो दैट वंडर वुमन को मे बी ये टैंकर जो टैंक है ये भी वहां पे कंपोज किया गया है, बिकॉज आई एम श्योर उसने कुछ अलग ही उठा के वो शूट किया होगा, बट देन उसको कंपोज किया गया है। लाइट एंड शेडो उन सबको मैच करना ये भी एक अपने आप में ही चैलेंज है, यहाँ पे काफ़ी सारे घंटों का काम रहता है इन सब चीज़ों में। बट ऑन ए कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि ये जैसे कि मैंने बताया वंडर वुमन पार्ट वन का पोस्टर्स था, फिर हम लोग देखेंगे अभी वंडर वुमन पार्ट टू जो अभी रिसेंटली निकला था, रिसेंट मतलब लास्ट ईयर दिसंबर में निकला था वंडर वुमन 84। इसके पोस्टर्स मुझे उतने खास पसंद नहीं आए बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि बहुत सारे कलर्स यूज हुए। ये क्या होता है पता, ये एक साइकोलॉजी है। जैसे मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में बोला था कि हम लोग के पास, मैं जब बचपन में मेरे हम लोग के घर में सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, एंड जब हम लोग के पास कलर टीवी आया, जब हम लोगों ने कलर टीवी खरीदा तो हम लोग कलर को ऐसे 100 में रखते थे हमेशा कलर को, क्योंकि वो एक फैंटेसी रहता है ना कि इतने दिनों तक हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखा, अब कलर मिल रहा है तो हम लोग फुल कलर यूज़ करेंगे। सो जो 80s या फिर 70s जो था वहाँ पे भी वही हुआ था टेक्निकलर, कि ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने से हम लोग कलर के ज़माने में आए थे, तो एवरीथिंग वो सैचुरेटेड। अगर आप लोग देखोगे ना ऐसे शमी कपूर के मूवीज देखोगे तो वो लोग ऐसे पिंक रहते हैं। वो क्यों होता था कि जब आपको कलर मिल गया तो हम लोग फुल कलर वो करेंगे, इसीलिए रेट्रो जो बोलते हैं, रेट्रो जो 80s 70s मतलब मिड 70s से लेके अर्ली 90s तक, उस चीज़ को रेट्रो बोलते हैं। तो अगर आपको आप लोगों को कोई बोलता है कि रेट्रो डिज़ाइन बनाओ, आपको पता है कि आपको ऐसे फिल मतलब कलरफुल डिज़ाइन बनाना है, दैट विल बी योर रेट्रो डिज़ाइन। तो ये एक क्विक टिप है। तो यहाँ पे भी वही किया गया है कि फुल ऑफ कलर, लेकिन इतने सारे कलर को यूज़ करके भी जो सब्जेक्ट है वंडर वुमन उनको फोकस में लाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, जो काफ़ी अच्छे से हुआ है इधर। एंड देन दिस पोस्टर, ये पोस्टर मैंने क्यों इंक्लूड किया पता है, दोनों में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बात करने के लिए, बट ये पोस्टर मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये जो बहुत सारे ग्रेडियंट पीछे यूज हुआ है, अ ग्रेडियंट इज़ बेसिकली वेन वन कलर फेड्स इन टू अनदर कलर, मतलब दो कलर को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक कलर का ब्लॉक है एक कलर का ब्लॉक है, लेकिन इन दोनों को अगर हम लोगों ने मर्ज कर दिया कि फ्रॉम दिस कलर टू दिस कलर एक ग्रेजुअल वे में हो रहा है, दैट इज़ कॉल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे पीछे काफ़ी सारे ग्रेडियंट्स यूज हुए हैं, एंड 2019 के एंड से लेके 2020 के मिड तक ये जो ग्रेडियंट का जो चलन था ग्राफिक डिजाइनिंग में वो फिर से वापस आ चुका था। ये बस उस ट्रिविया के लिए मैंने इस पोस्टर को यहाँ पे ऐड किया। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट पोस्टर में आते हैं, दैट इज ऑफ दिस एक्वामैन पोस्टर। अभी इस पोस्टर को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, मैंने अभी भी स्टॉक के बारे में बोला था ना, तो मूवीज एंड जो बिग प्रोडक्शन होते हैं वो लोग अवॉइड करते हैं कि स्टॉक्स को यूज़ करके, स्टॉक फोटोग्राफी को यूज़ करना थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट दिस पोस्टर केम आउट ऑफ नोवेयर। मतलब ये पोस्टर जब रिलीज हुआ था तो
फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी लगा था कि ये किसी फैन ने बनाया है, मतलब फैन मेड पोस्टर ऐसा लगा था मुझे, क्योंकि ये वैसा दिखता है। यहाँ पे जो पानी के नीचे का जो वो लोग इफेक्ट है वो भी उतना अच्छा नहीं, वेरी एमेच्योरिस, मतलब बहुत हरी में किया गया हुआ काम ये देख के पता चलता है। टेक्सचर्स मैच नहीं होते, लाइटिंग मैच नहीं होती है, एंड जो जब पानी के नीचे आप रहोगे तो बबल्स एंड पानी का जो डेप्थ है वो सब कुछ आपको पता चलेगा, बट यहाँ पे ना वो सब कुछ नहीं था। मुझे लगा था ये कोई फैन मेड होगा, बट देन आई रियलाइज कि ये रियल है, मतलब प्रॉपर डीसी से बना हुआ है। बट लेटर ऑन फिर जो ग्राफिक डिजाइनिंग कम्युनिटी है इसने बहुत ट्रॉल भी किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो फिश है, ये जितने सारे फिश हैं, ये जो स्पेशली दिस वन, ये मछली ना एक स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट से लेके यूज़ किया गया था, तो उसको लेके भी बहुत ट्रॉल हुआ था। एंड जैसन मोमोआ के इस पोस्ट को लेके भी बहुत ऐसे ट्रॉल हुआ था कि ये अलग अलग बना था, बट दिस वॉज बैड, दिस पोस्टर वॉज बैड। बट इसके बाद जो उन लोगों ने निकाला दिस वन स्पेशली हियर, अभी कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में क्या होता है कि जब ड्रॉ किया गया था कॉमिक बुक्स तो उस टाइम पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, अभी बहुत एडवांस हो गया है, बहुत डिजिटल हो गया है, आपको वो 3D पता चलेगा कि उन लोग के हाथ में ना वो कर्व है करके वो पता चलेगा। इतना मैंने एक बार देखा था अपने इंडियन कॉमिक्स में ही, एक कोई तो कॉमिक्स में था जहाँ पे द कैरेक्टर वॉज वॉशिंग फेस, मतलब वो अपने पानी से ऐसे वो कर रहा था, मुंह को वो कर रहा था, एंड वो जो पानी के ड्रॉपलेट्स थे वो मुझे लगा था कि रियल 3D है, रियल ड्रॉपलेट्स लग रहे थे वो कॉमिक बुक में। तो आजकल का प्रिंटिंग क्वालिटी एंड ग्राफिक डिजाइनिंग क्वालिटी इतना अच्छा हो गया है, बट पहले क्या था, मैन्युअली होता था हर चीज़, एंड दे ट्राइड टू यूज ओनली प्राइमरी कलर्स। इसीलिए जो क्लासिकल, मतलब जो क्लासिक कॉमिक बुक कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट रहते हैं, कि यहाँ पे ये देखिए येलो एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड ग्रीन, तो हाउ टू मेक अ कैरेक्टर हु वेयर्स ऑरेंज एंड ग्रीन, उसको हीरोइक कैसे दिखाए, वो कितना फनी कॉम्बिनेशन है। इसलिए एक्वामैन को बहुत ट्रोल भी किया गया था, बट द डायरेक्टर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो उन्होंने क्या किया, ऑरेंज को गोल्डन कर दिया, बिकॉज गोल्डन एंड ऑरेंज इज वेरी सिमिलर एंड गोल्ड इज समथिंग प्रीमियम, तो ऑरेंज को गोल्डन कर दिया एंड ग्रीन को ग्रीन ही रहने दिया, एंड वाइब्रेंट एंड इतना सिली कॉस्ट्यूम भी इतना अच्छा लगा इस मूवी में, इस पोस्टर में, विच इज ए गुड थिंग। और यहाँ पे भी वही चीज हुआ है, ग्रीन येलो एंड ब्लू, दीज आर 3 डिफरेंट कलर्स, और उनको कॉम्प्लीमेंट करके इस पोस्टर को बनाया गया है, विच इज गुड, विच इज रियली गुड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोस्टर, विच इज दिस। अभी इस पोस्टर को मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि नॉट एवरी पोस्टर इज ग्रेट, क्योंकि ये पोस्टर बहुत ही बेस लेवल का पोस्टर है, कि जो थंडरबोल्ट रहता है शज़ाम का उसी के बीच में वो, दिस इज नॉट वेरी क्रिएटिव, ये अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, ये बोलने के लिए मैंने इसको ऐड किया था। बट ऑब्वियसली फोटोग्राफी अच्छा हुआ है जो उन लोग का, मतलब ये गिवन है, आप एक हॉलीवुड प्रोडक्शन को अगर फोटोग्राफी अच्छा नहीं होगा तो कैसे होगा। सो लाइटिंग मैच हुआ है कि बोथ साइड से लाइटिंग हुआ है दोनों कैरेक्टर का, स्पार्क्स इधर ऐड किया गया है, देन सिटी, एंड देन यहाँ पे एक छोटा सा वो शज़ाम शॉट वाला भी इंक्लूड किया गया है नीचे, नॉट दैट ग्रेट, यहाँ पे उतना वो नहीं है बट दिखाना था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया इधर। और फिर हम लोग आएंगे एक पोस्टर के ऊपर जो कि है ये वाला पोस्टर, सुसाइड स्क्वाड। तो अभी अभी मैंने आपको बोला कि सजेस्टिव वे में किसी चीज़ को दिखाना इज वेरी डिफिकल्ट इन ग्राफिक डिजाइनिंग इन कंपोजिटिंग। तो यहाँ पे भी क्या है, एक न्यूक्लियर ब्लास्ट में जो मशरूम क्लाउड बनता है उस क्लाउड के फॉर्मेशन को दिखाया गया है, बट विदाउट शोइंग दैट क्लाउड। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे यूज करके कंपोज करके इस चीज़ को बनाया गया है, विच इज़ ए बिग टास्क, मतलब इसमें बहुत सारा टाइम लगता है अगर आपको किसी ने करने के लिए बोला। एंड दे यूज दैट कलर्स ऑफ ग्रैफिटी, क्योंकि अमेरिका में वो ग्रैफिटी को बहुत, जितने भी मैंने मूवीज देखे हैं तो ग्रैफिटी को ऐसे रिबेलियस के हिसाब से दिखाया जाता है, एंड दिस मूवी वॉज ऑल अबाउट बैड गाइज, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो ग्रैफिटी का जो इफेक्ट है, ग्रैफिटी के जो कलर्स है उन सबको लेके इस पोस्टर को बनाया गया है। बेसिकली दो पोस्टर्स मैं दिखाऊंगा, इसके बाद जो पोस्टर आता है दिस वन, मुझे पर्सनली ये पोस्टर ज़्यादा पसंद आया बिकॉज दिस वॉज सजेस्टिव, गोइंग विथ वट डीसी वॉज डूइंग, कि विदाउट शोइंग एवरीथिंग, किसी कुछ भी दिखाए बिना सब कुछ दिखा देते हैं। तो ये पोस्टर मेरे हिसाब से ठीक था कि किसी भी कैरेक्टर को दिखाया नहीं लेकिन उनके ट्रेड्स को दिखा के इसको पूरे पोस्टर को बनाया गया था, बट ऑब्वियसली एक्टर्स फेसेस मैटर, तो एक्टर के फेसेस को लेके भी बनाना है तो उन लोगों ने ये पोस्टर को बनाया था। तो बस कहने का मतलब ये कि ये सजेस्टिव वे में दिखाना है किसी भी चीज़ को, कंस्ट्रक्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, और यहाँ पे अच्छे से हुआ है ऑब्वियसली। अभी आएंगे जो नया सुसाइड स्क्वाड का जो पोस्टर है, दिस मूवी, दिस पोस्टर इज वेरी मार्वल। अभी अभी मैंने बोला था कि जितने सारे आ रहे थे कि बहुत कम दिखा के बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे,
बट दिस पोस्टर इज टोटली मार्वल। ये अगर मैं इसको बोलूंगा कि ये एक मार्वल मूवी का पोस्टर है, आप लोग बिलीव कर लोगे, बिकॉज सुपर ब्राइट एंड ऑल एवरीथिंग, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। एंड टू बी फ्रैंक, अगर कोई भी अगर मुझे एक मल्टी स्टारर मूवी के पोस्टर को बनाने के लिए बोलेगा, देन दिस इज द इजिएस्ट रूट दैट आई वुड हैव टेकन, कि सबके शूट करवाओ एंड सबको एक पोज में वो कर दो। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत किया है, पहले मैगजीन जब डिज़ाइन करता था तो कवर स्टोरी में ऐसे 8 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो 8 लोगों के पोस्टर्स कैसे दिखाओगे, तो मैं ऐसे खुदा गवाह टाइप का ऐसे सबके फेसेस को एक के बाद एक लगा देता था। सो दिस इज द इजिएस्ट वे टू डू, और यहाँ पे भी वो अच्छे से हुआ है। एंड मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, आप जब फोटोज़ खिंचाते हो, आप जब एडिटिंग करते हो, और ये लोग जब एडिटिंग करते हैं, तो इन लोग के जो लाइट एंड शेडो होता है इनके फेसेस में या फिर इनके स्ट्रक्चर्स में, वो बहुत एक अलग ही टोनालिटी आता है। इस चीज़ को बोलते हैं हाई पास। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अगर आप लोग फोटोशॉप यूज़ करते हो तो एक फीचर आता है फिल्टर में, सबसे नीचे दिखिएगा वहाँ पे आता है हाई पास। ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, लेकिन वो फीचर इज़ वेरी गुड टू मेक योर इमेजेस लुक लाइक दिस, कि ऐसे एक सर्टेन वे में दिखाने के लिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं बस एक टिप्पणी दे दिया अभी। सो दिस वॉज इट। एंड देन जो लास्ट पोस्टर है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दैट इज़ दिस पोस्टर ऑफ जस्टिस लीग। नाउ व्हेन आई थिंक, जब उस टाइम पे आया था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट नाउ व्हेन आई थिंक दिस इज़ वेरी किडिश, कि यू कांट सेव द वर्ल्ड अलोन। ये जो टाइपोग्राफी है कि हर चीज़ में एक एक एलिमेंट रखा गया है, ये ना ऐसे किसी भी बच्चे को अगर आप बोलोगे कि ऐसा करो, टाइपोग्राफी करो, सो वो लोग ना यही चीज़ करेंगे। तो दिस इज़ नॉट वेरी मैच्योर, मैं वो बोलूँगा। एंड ऑब्वियसली आपको पता ही है कि डीसी ने क्या किया था, कि वार्नर ब्रदर्स ने कि कलरफुल करो, तो उन लोगों ने हर चीज़ का कलर को ऐसे क्रैंक कर दिया, तो बैटमैन विच वॉज एक्चुअली ग्रे वो ब्लू बन गया, बिकॉज ग्रे को जब आप कलराइज करते हो तो वो ब्लू बन जाता है। बट इस पोस्टर से वही टेक अवे है कि दिस लुक्स लिटिल किडिश नाउ व्हेन आई सी इट। एंड दिस इज द जस्टिस लीग पोस्टर फ्रॉम जैक स्नाइडर। ये कितना मैच्योर लगता है। तो ये विजन का चीज़ है, विजन का प्रॉब्लम है कि आप लोग कौन से विजन से किसको प्रमोट करना चाहते हो। सो दिस इज हाउ इट इज़। एंड ये जो जे एल है, तो अभी जस्टिस लीग बोलते हैं, लेकिन पहले जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका बोलते थे। तो जितने भी मैंने कॉमिक्स खरीदा था जस्टिस लीग का, वहाँ पे ज़ला लिखा होता था, जेड एल ए ज़ला। मतलब मूवीज़ के लिए शायद उन लोगों ने जे एल कर दिया, बिकॉज दैट लुक्स मोर प्रीमियम। बट दिस इज़ ऑब्वियसली क्लासिक फॉर्मेशन, कि ये जो लाइन फॉर्मेशन बोलते हैं, कि एक लाइन में सब लोग खड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे भी देखिए, वो सेम फ्लेयर को यूज़ किया गया है, सेम फ्लेयर मतलब सेम टेक्निक को यूज़ किया गया है कि फ्लेयर को, बट यहाँ पे अलग से यूज़ हुआ था। एक्वामैन के पोस्टर में अलग से यूज़ हुआ था, मैं थोड़ा अलग से यूज़ करता हूँ। एंड पीटर मैकिनन ने एक वीडियो बनाया था वहाँ पे वो कैसे यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ टेक्निक, कि अभी आप अपने हिसाब से कैसे यूज़ करते हो उस टेक्निक को, वो अलग डिपेंड करता है। बट दिस एड समथिंग टू द डिज़ाइन। जब भी आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करोगे तो ये चीज़ डेफिनेटली कुछ ऐड करता है। तो जैसे कि मैंने मार्वल के पोस्टर्स को ब्रेक डाउन किया था, वैसे ही मैंने ट्राई किया कि डीसी के पोस्टर्स को भी ब्रेक डाउन करूँ। एंड ये करते हुए मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर थोड़ा कुछ एनलाइटन कर सकूँ इस फील्ड के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में, इस क्राफ्ट के बारे में। सो आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला होगा एंड आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा भी कोई पोस्टर है, कोई मूवी है, कोई सजेशन है, कोई क्लिप है, कुछ भी, कोई आर्ट है, कुछ भी आपके सजेशन से मेरे लिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, हर कमेंट में मैं हार्ट देता हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि आपके सजेशंस के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में आपके सजेशन से ही बना रहा हूँ, एंड विच इज़ फन, क्योंकि मुझे काफ़ी सीखने के लिए मिल रहा है। एंड द रिसर्च पार्ट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि वो करके मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इन दैट वे आई कैन गिव समथिंग बैक टू यू। सो इस साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो देखे अच्छा लगा, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वॉज शमीम, यू आर वॉचिंग की बाकी भी। See you in the next video.